गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। तो ये है वो ले का फेमस दरवाजा। एक लाख रुपया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 75 दे दिया। और मैं पहाड़ पे गया हूँ, मैं तुम्हारे ट्रैक पे नहीं। तेरे को बोला किसने पहाड़ के लिए, कितने को बनाया पहाड़ के लिए? ए, ए, आगे कर, आगे कर, तो मेरे पैर में लग गई। सो हे गाइज, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम बैक अगेन टू माई यूट्यूब चैनल के एस राइट्स। एंड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। तो फाइनली अपन पहुंच गए हैं और आज रेस्ट का दिन है तो और छोटी मोटी साइट सीडिंग होनी है। ये है शायद से मॉल रोड, आई डोंट नो। बस अभी सब मिल गए हैं तो बात आत हुई, नाश्ता वास्ता हुआ। फाइनली ये मॉल रोड ही है, डू नॉट लेटर मेक सिटी क्लीन। और अभी टूरिस्ट तो इतने ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, शायद ये साइड में ना, और इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं ना, इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं कि ऑल राइट। सो टाइम चेक 11:21 और ये हमारा स्टे है, नाम बताऊंगा बाद में। और धूप देख रहे हो, ये है लद्दाख। ऊपर देखो स्नो कैप माउंटेन्स है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ तो, इतनी गर्मी है यार, क्या मतलब इतनी दूर आए हज़ारों किलोमीटर। साला ये धूप देखनी है तो हम अपने घर पे भी देख लेते। कोई मौसम कुछ फेवरेबल नहीं है, कोई कंडीशन कुछ नहीं है, आई डोंट नो। ये हमारी ट्रैवलर है जो बैकअप व्हीकल है, इसमें सारे हैं घर वाले। तो आपका केस लद्दाख की गलियों में, लेह की गलियों में एक्चुअली मोटर व्लॉग करते हुए। और यहाँ की गलियाँ भी ना बिल्कुल इतनी सकरी सकरी है, और उसके अंदर इतने बड़े बड़े होटल्स हैं ना, और बहुत अंदर 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 है, लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ से मुड़ने का है ना लेफ्ट, ओके राइट, यहाँ हम तो लेफ्ट से ही आ रहे थे इतने समय से। तो ये है वो लेह का फेमस दरवाज़ा जो आप लोगों ने कई बार कईयों की वीडियो में देखा होगा। ये भी देख रहे हो कितने पुराने पुराने मकान है भाई। कल रात में मैं यहीं से आया हूँ, शायद रात तो है नहीं, अंधेरा था, चढ़ते गया बस मैं। ओ शिट, ऊपर तो देख रहे हो भैया, वो रेगिस्तान जैसा लग रहा है पूरा ना, जैसे पूरी रेता हो वो। ये रेगिस्तान वाला पहाड़ तो कुछ अलग ही कह रहा है। ये है यहाँ का एयरपोर्ट, और अभी बन रहा है, अभी उतना भी कुछ भी नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौशिक बाकुला इनपोर्ट एयरपोर्ट ले। बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, छोटे एयरपोर्ट है, और छोटे एयरक्राफ्ट ही आते हैं, बड़े नहीं आते यहाँ भी जबलपुर के जैसे। भाई ये तो रेगिस्तान, तो ये तो मैंने किसी को देखा ही नहीं दिखाते हुए। ये कुछ नई चीज़ है, ये अभी आई है क्या, जो किसी ने देखा नहीं है। बेसिकली आज ना कुछ लोकल साइट सीइंग का सीन है, तो जो जो मतलब आस पास में है वो है, वहीं वहीं जा रहे हैं हम लोग। कितनी बढ़िया सीधी सीधी रोड है यार, ये देखो ये थोड़े ऊपर चढ़ गए हैं पहाड़ में, और यहाँ से नज़ारे देखो ऊपर के। ये कुछ आर्मी का एरिया है, बाकी तो पहाड़ पूरे ब्राउन है यहाँ के। आगे भी चलते चलेंगे ना, वैसे वैसे पहाड़ बदलते जाएंगे। अभी तो जा रहे हैं कहीं हॉल ऑफ फेम। झाड़ा हो गया झाड़ा, क्या हो गया? गाड़ी है, एक लाख रुपया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 75 दे दिया, बोलो पूरा पैसा दे दो, इसके बाद जाएंगे। अरे ये क्या बात हुई भाई, आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो आप लोग? कलकत्ता से। नहीं नहीं, तो ये गाड़ी ट्रिप ले में ही, गाड़ी चंडीगढ़ से गई। ये जम्मू में हम लोग को ड्रॉप करेगा, तब जाके इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। मास्क यहाँ पे मैंडेटरी है क्या? अभी मैंडेटरी है क्या वहाँ पत्थर साहिब वगैरह में?
जो रोड देख रहे हो ना आप, थोड़ी प्लेन दिख रही होगी, पूरी प्लेन प्लेन दिख रही होगी, लेकिन ना ये एक्चुअली में प्लेन है नहीं, ये ना स्टीप ही है, क्योंकि गाड़ी ना पावर ही नहीं ले पा रही, 80 के ऊपर ही नहीं जा पा रही है। सोचो अगर यही चीज़ हाईवे में रहती तो 120-130 जाती, लेकिन अभी कुछ भी नहीं जा पा रही है। तो अभी अपन पहुंच गए पत्थर साहिब गुरुद्वारा। मिनी स्कर्ट केपरी सख्त मना है। ये जो है यहाँ पे हाथ वहाँ धोने के बाद उसके बाद पटका वगैरह भी मिल रहा है, पटका वगैरह सब पहन के घूम के जाओ, अंदर बहुत भीड़ है यार। मेरा छोटा चश्मा वाहेगुरु जी। भैया कितने दिन बाद आओ, वो खाए क्या बोलते भंडारा नहीं, अरे हलवा। हाँ भाई मस्त सेवा भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ खा के चले गए। आज लेह लद्दाख ग्रुप जो है ये लेह पहुंच चुका है। इसका नामकरण हमने बहुत पहले से कर दिया था, क्योंकि हमने सोच रखा था कि हमें लेह लद्दाख ग्रुप जाना है। पहले ये नैनीताल ग्रुप था, अब ये लेह लद्दाख ग्रुप हो गया है। और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा में, और यहाँ पर अभी हमने मत्था टेका है और लंगर लिया है, और अब हम यहाँ से मैग्नेटिक हिल की तरफ कूच करेंगे। और हमारे साथ में कैमरा मैन है कार्तिक, थैंक यू। कुछ भी ये था पत्ता साहिब की कहानी। ये ऊपर से यहाँ से जो कोई डीमन था उसने फेंका था यहाँ पे पत्थर, और यहाँ पे बाबा साहब कर रहे थे कुछ मेडिटेशन वगैरह, तो वो पत्थर आके टकराया, तो वो वैक्स का बन गया। वैक्स का बनने के बाद क्या हुआ कि उसमें उनका स्कल्पचर ऐसा बन गया जैसे कि आप ये देख रहे हैं। और फिर क्या वो डीमन ने देखा, उसको लगा होगा कि वो पिचक गए, मतलब ख़त्म हो गए, मर गए। तो वो मरने के बाद वो चेक करने आया, उसने देखा कि अरे ये तो मरे नहीं, तो पत्थर को उसने लात मारा, लेकिन वो पत्थर तो पत्थर था। फिर उसके बाद क्या हुआ, पत्थर मारने के बाद तो क्या हुआ कि उसके पैर में लग गई। तब उसको समझ में आया कि अरे ये तो बहुत पावरफुल इंसान है गुरु नानक देव जी। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनको समझाया कि तुम भाई लोगों की भलाई करो, ऐसा वैसा ये वो। तो फिर वो अच्छा इंसान बन गया डीमन। ये वो यहाँ की ऐसी कुछ कहानी थी। और गुरु नानक देव जी जो अपनी तीसरी कुछ यात्रा थी वो उसमें यहाँ पे आए थे, बहुत टाइम ले श्रीनगर में रहे थे, इसलिए श्रीनगर में भी उनका एक गुरुद्वारा है, वो भी बहुत फेमस है। अभी बाकी गुरुद्वारे की बात खत्म हो गई, अभी हम जा रहे हैं आगे मैग्नेटिक हिल, और सामने की वादियों के आप नज़ारे देखो, मतलब पहाड़ ही पहाड़ है, सब चारों तरफ पहाड़ है। सो ये संगम पॉइंट है, यहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी होती है। नदी कितनी मैली है यार। भाई जैसे आप लोग पिछले व्लॉग में देख रहे थे कि नीचे से ना पहाड़ों का व्यू अलग ही दिखता है, तो देख लो एक बार और। सर्विस प्राइड ऑफ द नेशन, होप यू एंजॉय द रोड। यस वी आर एंजॉयिंग आवर राइड एंड थैंक यू सो मच। अब समझ में आया लोग इतना थैंक्स क्यों बोलते हैं वीआरओ को। ये एक बड़ा ग्रुप है, सबने रेंट लिया कि अपन आ संगम पॉइंट में। घर से जो आ रही है वो जंस्कार है, जो चादर ट्रैक करने आता है ना विंटर टाइम। हाँ वो ये है, इधर ही पे चादर ट्रैक होती है, इससे आगे बहुत दूर है। बहुत आगे, हाँ मतलब यही किनारे किनारे जाते हैं, ये वाली रोड ही जाते हैं। ये रोड पूरा चला जाएंगे गाड़ी में, हाँ चौकती तक जाएंगे। हाँ चौकती, हाँ 35 किलोमीटर। हाँ फिर वहाँ से ट्रैक करते 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 हफ्ते का ट्रैक, एक 10 दिन का ट्रैक रहता है। और ये वाली कौन सी रिवर है, ये कौन रिवर है, ये इंडस रिवर है। ये दोनों मिल जाती फिर आगे क्या कहलाती है, ये संगम पॉइंट बोलता है। और आगे फिर कौन सी चला जाता है, पाकिस्तान, फिर वहाँ से एक शाहौक का पानी एक इंडस मिलता है, शाहौक नुब्रा मिला वो मिल जाता है वहाँ पे, उससे आगे जाके बहुत उसके बाद मिलेगा छुतुक, चार दरिया जाएगा पाकिस्तान। अच्छा, और वो कारगिल और द्रास वाली भी जाती है, वहाँ मिलता है ना आगे जाके। तो मतलब अपन पाकिस्तान को कितना सारा पानी दे रहे हैं, सब पानी तो अपन ही दे रहे हैं, उसी को जा रहा है, अपन तो यूज ही नहीं कर पा रहे उतना। इसको मोदी को बोलो आप लोग को, हाँ बनाने
रुकने के लिए, डैम बनाने के लिए चल रहा है अभी, प्रोसेस चल रहा है। इसी को मान करो पहले तो ले में। सच्ची बात है कि ले में अगर इसको यहीं रोक देंगे तो ये अपने बहुत काम आएगा। इधर इंडस रिवर भी ये पंजाब से आ रही है पूरी, सिंधु नदी। जैसे कि आपने सुना अंकल की जुबानी, और अभी यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे थोड़ी बहुत दुकानें हैं, कुछ एक दो कैफे हैं। ये कैफे है जिसमें अति की भीड़ है, यूजुअली यहाँ कैफों में रहती है भीड़ बहुत ज़्यादा। अभी ऐसा है कि धूप में ना सबकी बैंड बज गई, मतलब हमारे शहर में भी इतनी धूप नहीं होगी जितनी लद्दाख में है। सब ऐसा परेशान हो रहे हो बोल रहे हैं, तो अभी ये डिसाइड करो रूम चलो, फिर 4 बजे सोचेंगे, देखते हैं कहाँ जाना है क्या करना है। ये वाले भी पहाड़ देखो, ये वाले ब्राउन है और वो वाले बिल्कुल रेड। ओ भाई, अब देखो इस तरफ को है चॉकलेटी माउंटेन, उस तरफ को ब्राउन, उस तरफ को अलग ही शेड्स हैं, और वहाँ बादल के भी शेड्स आ गए। सिर्फ माउंटेन दिखा सकता हूँ मैं, इसके अलावा अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है कंटेंट। देख सकते हो तो देख लो, और लाइक कर सकते हो तो लाइक भी कर दो। और ऐसा जो भी बोलते हैं ना कि पहले दिन में ऐसा वैसा, सुबह ही आया हूँ मैं और कुछ नहीं हो रहा मेरे को, तो वैसा कुछ एल्टीट्यूड सिकनेस वगैरह, पानी पी रहा हूँ खूब सारा, और कुछ ज़रूरत पड़ी नहीं है ऐसी कि वीकनेस लग रही हो या कुछ, बाकी सब बढ़िया है। इज इट वर्किंग? नो, इट इज नॉट वर्किंग, इट इज रिवर्स। इट्स रिवर्सिंग, रिवर्सिंग इन न्यूट्रल। नो, वो क्या होता क्या है यहाँ पे? यहाँ पे पहले ऐसा होता था, गाड़ी यहाँ पे खड़ा करो ना तो गाड़ी ऊपर की तरफ जाती थी। हाँ, अब नहीं हो रहा। ऑल राइट, तो कुछ तूफानी करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो ट्रैक बना है ना ADV के लिए, मैं अपनी ADV लेके खुद आने जा रहा हूँ। शानदार, सही ट्रैक बनाए हैं लोग, तो ट्रैक नहीं बनाए सिर्फ झंडे बनाए, बाकी वो अपने आप गाड़ियाँ चल चल के बन चुका है। ओए 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 ओए, सेडलिंग। ओके, गिरूंगा नहीं गिरा। चल, मैग्नेटिक हिल में आपका केएस। ऑफ रोडिंग ट्रैक पे, ट्रेल पे बाइक चलाते हुए, और अपनी लैला कहाँ कहाँ नहीं कूदी भाई। चल आज तेरे को धुलवाता हूँ, बहुत गंदी हो गई है। और अब तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऊपर जाऊँ यहाँ से, देखते कितने ऊपर तक का जा पाता हूँ। तो इस ट्रेल से मुझे बाहर उतरना होगा। ओके, भाई साहब, ओए, गिरूंगा तो उठूंगा नहीं। चल लेला, चल लगा। हाय या, फाइनली वी डिड इट। मैग्नेटिक हिल को पिछड़ गए। किधर? तो ये आपका एरिया है क्या? कोई इधर नहीं आने का, किसको पूछ के गया था? तो ऊपर जाने में क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैक मेरा, पैसा दे रहा हूँ गवर्नमेंट को। अच्छा, तो ऊपर जाने का पैसा थोड़ू ना दे रहे हो तुम? कहाँ से आया? हवा में आएगा, तू देख से आएगा, पहाड़ से चढ़ के आएगा। तो पीछे से आया ना मैं? 1200 रुपए चाहिए, अपनी गाड़ी लेके आया हूँ मैं। हाँ, मेरी टेंशन नहीं है जबरदस्ती का। और मैं पहाड़ पे गया हूँ, मैं तुम्हारे ट्रैक पे नहीं। किसने पहाड़ के लिए कितने को बनाया पहाड़ किसने? तो ये पहाड़ तुम्हारा थोड़ू ना है। हाँ, कहीं से नहीं आई है, वो हमारा वहाँ मैनेजर खड़ा है, जाके बात कर लो। हाँ चलो, और तुम्हारे ट्रैक से भी नहीं जाऊँगा। ए, आगे कर, तुम गाड़ी चला रहे हो यहाँ पे जबरदस्ती।
इसके टायर से कुछ नहीं होता है, ऐसे कैसे नहीं होता, मेरे पैर में लग गई।